आंगनवाड़ी केंद्रों में नन्हे मुन्ने बच्चों को फंगस युक्त मूंगफलियां खाने को दी जा रही हैं, जिसे खाने से बच्चे बीमार हो सकते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में सरकार द्वारा खिचड़ी और दलिया बच्चों को निशुल्क इसलिए दिया जाता है ताकि उनका शारीरिक विकास हो सके और वह कुपोषण के शिकार न हो। लेकिन अगर बच्चों को इस तरह के खाद्य पदार्थ खाने को दिए जाएं तो उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग CDPO सोलन पवन गुप्ता से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की खरीदो फरोख्त विभाग द्वारा बनाए गए स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाता है और अगर खाद्य पदार्थों में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे तुरंत प्रभाव से बदला जाएगा ताकि बच्चों के स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ न हो। एक्चुअली ऐसा है, जो मूंगफली दाना है हमारा लोकल लेवल पे स्वयं सहायता समूह द्वारा परचेज किया जाता है और क्वालिटी को जैसा कि आपने बताया है, जैसे ही हमारे ध्यान में आया है इसको हम तुरंत प्रभाव से इसको जिस भी स्वयं सहायता ने लिया होगा उसे उसको रिप्लेस कराने के लिए तुरंत आदेश दे देंगे और फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। आज से पहले का इस बारे में कुछ नहीं आया है कि कोई दाना, कोई मूंगफली या कोई दूसरी आइटम जो लोकल लेवल पर परचेज की जाती थी वो खराब थी। आपने हमारे ध्यान में लाया है तो इन फ्यूचर ऐसा नहीं होगा कि जिस स्वयं सहायता समूह से हम परचेज कर रहे हैं उसको निर्देश दे देंगे कि वो क्वालिटी चेक करने के उपरांत ही हमें सप्लाई करें।